आज हम बात करेंगे डुअल नेचर और रेडिएशन चैप्टर की, आपके जे 2024 के सारी पीवाई के उसके बारे में। हर साल आपको इससे दो तीन क्वेश्चन दिखे जाएंगे और बहुत स्कोरिंग आपका ये और इजी चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यूवी लाइट ऑफ 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसिंथेटिक मेटल सर्फेस हैविंग वर्क फंक्शन 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है आपकी एनर्जी आप जो देते हैं माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी आपने कितनी दी है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है आपका 3.13, तो ये आपका 1 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल की आपकी सेम एनर्जी आपको दी हुई है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को दोस्तों आपको रेशियो बताना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी होती क्या है, ये होती है h/mv, h/मोमेंटम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ h/√2mke, क्योंकि आपका एम वी को मैं लिख सकता हूँ √2mke। तो अब आप देखें तो अगर आपका लैम्डा सेम है, अगर आपका दोस्तों एनर्जी सेम है, तो एनर्जी सेम है मतलब लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मास। यहाँ से आपको दिख रहा है एनर्जी अगर सेम है तो जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा आपका कम, तो अल्फा का सबसे ज़्यादा मास होता है तो उसका लैम्डा सबसे कम, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। अगला आपको दिया हुआ है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दी हुई है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको दी हुई है kp और ke। तो आपको बताना है क्या आपका रिलेशन होगा। तो लैम्डा क्या होता है आपका, h/mv होता है, h/mv को मैं h/√2mke भी लिख सकता हूँ, क्योंकि mv आपका होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर दोस्तों आपका लैम्डा सेम है तो फिर आप देखें तो h/√2mke दोनों का सेम है, तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का आपका सेम है √m इलेक्ट्रॉन इंटू ke इलेक्ट्रॉन। तो अब आप दोस्तों आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कैंसिल होने के बाद आपका मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा m प्रोटॉन ke प्रोटॉन इज इक्वल टू m इलेक्ट्रॉन ke इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ke प्रोटॉन बाई ke इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ रहा है, मैंने इसको यहाँ ले आया है, तो ये m इलेक्ट्रॉन अपन m प्रोटॉन आपका आ रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो प्रोटॉन का मास आपका ज़्यादा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, अब प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो ke प्रोटॉन अपॉन ke इलेक्ट्रॉन मेरा क्या आएगा, m इलेक्ट्रॉन अपन m प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो और m प्रोटॉन आपका होता क्या है, 1836 टाइम आपका मास इलेक्ट्रॉन आपका होता है आपका m प्रोटॉन। तो ये दोस्तों आपका 1/1836 इसका दोस्तों रेशियो आने वाला है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन मेटल सर्फेस हैविंग वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एमिशन आपका होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोस्तों आपका होता क्या है, ke max इज इक्वल टू होता है e times आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ke max अपॉन e ही आपका होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मैक्स में मैं कैसे निकाल लूँगा, e − φ करके। सबसे पहले मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ, तो hc 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा 300 नैनोमीटर, तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ रहा है 4.1 मेरा ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर 2.13 ये मेरा 4.1, हाँ और एक 3 भी जाएगा, तो 4.13 मेरा दोस्तों ये आ जाएगा। और ये का और वर्क फंक्शन मेरे को ये दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, e − φ करूँगा, 4.13 − 2.13, तो ये दोस्तों आपका 2 आ जा रहा है, 2 दोस्तों आपका आ जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर मैं ई से डिवाइड कर दूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि 2 वोल्ट दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि वेव नेचर से दोस्तों क्या आप दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वेव नेचर से क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन आप कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो दोस्तों आपके पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर से नहीं करते, रे नेचर से करते हैं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएट्स अ फोटोसिंथेटिक मटेरियल, द स्टॉपिंग फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर टू बी 0.5 वोल्ट। आपको बताना है वर्क फंक्शन क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका क्या होता है, e − φ, तो फाई आपका क्या आ जाएगा, e − ke max, e − ke max आपका आएगा, तो एनर्जी आपको दिया हुआ 2.48 - ke 0.5, ये आपका e v0 अगर मैं कर दूँ,
तो 0.5 इंटू ई कर दो तो वो आपका दोस्तों सेम आ जाएगा। तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्या आपका सही नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, तो ये भी आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इसके बाद इट इज़ 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सही बात है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपकी क्या होता है, ई में नॉट होती है, तो ये 1/e टाइम्स आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, सही बात है ये भी। इसके बाद इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इंटेंसिटी से आपका दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, क्योंकि दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते हैं इंटेंसिटी से। और डी वाला भी सही है कि नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल पर ये डिपेंड करता है, तो जो आपका सी वाला इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है फिगर, आपको दिया हुआ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का फॉर टू फोटोसिंथेटिक मटेरियल M1 और M2 द स्लोप गिव्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ H बाई E वेर इज H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोस्तों आपका सही है, कैसे, क्योंकि आपका ई वी नॉट आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका ई वी नॉट होता है, तो ये आपका होता है एच म्यू, आपकी एनर्जी जो होती है माइनस एच म्यू नॉट जो आपका क्या होता है फाई जो आपका होता है वर्क फंक्शन होता है। तो वी नॉट अगर मैं दोस्तों ले जाऊँ तो एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई, और मैं इसके और इसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ तो वाई क्या होता है एम एक्स प्लस सी, ये तो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो एम आपका होता है टेन थीटा स्लोप, तो एच बाई ई यहाँ पर क्या है म्यू के साथ आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो आपका क्या है स्लोप है, तो एच बाई ई जो है आपका स्लोप है, सही बात है। एम टू विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो M2 का दोस्तों एच म्यू नॉट ज़्यादा है, टू का एच म्यू नॉट ज़्यादा है क्योंकि M2 को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लग रही है कि वो अपना वो एमिट कर पाए। तो अगर मैं सेम फ्रीक्वेंसी को दूंगा तो M1 दोस्तों उसका फाई कम है, M1 का फाई कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स ज़्यादा होगी, तो यानी कि M1 की काइनेटिक एनर्जी मैक्स M2 से ज़्यादा होगी, M2 की ज़्यादा नहीं होगी, तो ये M2 स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तब आपका नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका होता क्या है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, अगर आप दोस्तों फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपकी बढ़ेगी, सही बात है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि फोटो करंट आई वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, जो आपका वी एस होता है किसकी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वन और टू का आपका फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, तो इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों का आपका फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी आई वन की आई टू से ज़्यादा है, तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आई वन जो सैचुरेशन करंट होगा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर दिखा भी रहा है आई वन आपका करंट ज़्यादा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी ही उसने चेंज कर दिया, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दिया। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना आपको दिया हुआ है और पावर एमिटेड आपको इतनी दी हुई है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज ये दोस्तों एमिट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जो पावर होता है वो आपका क्या होता है, पावर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पावर अगर हम सारे का मान लें एन एच सी बाई लैम्डा, ये आपकी दोस्तों एनर्जी हो जाएगी टाइम, तो एन बाई टी जिसको हम स्मॉल एन से भी लिखते हैं वो क्या होगा दोस्तों आपका, वो पी लैम्डा बाई एच सी होगा, यानी कि पी बाई ई दोस्तों आपका होगा, तो पी बाई ई दोस्तों हमको निकालना है, तो पी बाई ई तो पावर आपका कितना है 2, तो 10^13 और ई में दोस्तों करूँगा एच सी बाई लैम्डा, तो ये एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा आपका ऊपर चले जाएगा। हाँ मैं एच एफ भी कर सकता हूँ, एच एफ 6.63 × 10^-34 इंटू एस सिक्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3, तो ये नीचे दोस्तों आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे तो 5×10^15 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, अगला दोस्तों है कंडक्टिविटी ऑफ अ फोटोडायोड स्टार्ट्स चेंजिंग ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन, आपको ये दिया हुआ है कि 660 नैनोमीटर, तो ये आपकी क्या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है
और आपको दिया हुआ कि बैंड गैप आपको इतना दिया हुआ है एक्स बाई एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी दोस्तों एक्स आपका क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी गैप वाली जो होती है उसमें आप क्या करते हैं, एच सी बाई लैमडा तो करते हैं लेकिन हम ई भी कर देते हैं। तो पहले आप एच सी बाई लैमडा निकालेंगे, उसको दोस्तों आप एक्स बाई एट से यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे आप करेंगे ई जी आपकी होती है एच सी बाई लैमडा थ्रेशोल्ड इनटू ई। तो यहाँ से आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे आप सबकी वैल्यू रख के, फिर ई जी आपका इतना आएगा एक्स बाई एट से इक्वेट कर देंगे तो एक्स आपका दोस्तों 15 आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का लैमडा बाई टू लैमडा का रेशियो है, तो आपको दोनों की दोस्तों वेलोसिटी का रेशियो आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी देता हूँ जो कि आपको तो कमेंट करना होता है, तो आपको ये दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर आपका आएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आपको दिया हुआ है कि एक फोटोसिंथेटिक मटेरियल पर करती है। नाउ इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज़ हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड, तो दोस्तों आपकी क्या है म्यू जो है आपकी हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, तो आपने सबसे पहले 1 म्यू आपने डाला, ठीक है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, सही बात है। इसके बाद आपने दोस्तों इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों आपका 0.75 म्यू हो गया, तब आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू है और आपने डाला है 0.75 म्यू, लेकिन तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कोई दोस्तों आपका फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो आपकी होनी चाहिए, तो कोई भी आपका गिरेगा ही नहीं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी से आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि जब आप लैम्डा से आपने वो किया तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 8 है, और इसके बाद आपने जब 3 लैम्डा से किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है, तो आप इसमें दो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, ई वी आपका होता है तो ई इंटू ई आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, और दूसरा आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट इंटू ई, मैं कर लूँगा काइनेटिक एनर्जी में एक्स के लिए एच सी बाई 3 लैम्डा माइनस फाइव। तो अब मैं दोस्तों क्या कर सकता हूँ, अब मैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों फाइव में आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को माइनस ना करके प्लस कर लूँ, अगर मैं माइनस ना करके प्लस कर लूँ तो यहाँ पर आप कर भी सकते हैं कि सॉल्विंग 1 और 2 आप कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका लैम्डा नॉट आपका 9 लैम्डा आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, तो ई के और वी आपको दिया हुआ है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपकी क्या होती है, ये वो आपको ई के ही काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिया एच एफ माइनस एच एफ नॉट एफ म्यू, आप जो भी लिखे फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ से आपका वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका होगा, तो वाई आपका क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स, एक्स है आपका फ्रीक्वेंसी, तो एम आपका क्या है, यहाँ से एच है, एम यानी कि टेन थीटा आपका क्या है, एच है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ टोटल एनर्जी आपको इतनी दी हुई है, और आपको टोटल मोमेंटम दोस्तों आपको निकालना है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के बाद। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी ई होती है वो आपकी मोमेंटम इनटू सी होती है दोस्तों, जब आप फोटोन की बात करते हैं तो मोमेंटम आपका दोस्तों ई बाई सी हो जाएगा, तो 6.48 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5 अपॉन 3.10 3 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2.16 सिर्फ एक ही में, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शन आपको इतना दिया हुआ है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका दोस्तों क्या हो सकता है, तो आपका वर्क फंक्शन होता क्या है, एच सी बाई लैमडा नॉट होता है तो 3, तो लैमडा नॉट आपका क्या आ जाएगा एच सी बाई 3, और एच सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास है, तो ये 4 1, ये दोस्तों कितना आ रहा है 410 आ रहा है, तो ये 414 ही आ जाएगा, क्योंकि हम दोस्तों एच सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 1237 होता है या फिर 1247 होता है, तो वही दोस्तों आपका 440 नैनोमीटर के पास ले जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि दो आपके सोर्सेज हैं, तो आपको बताना है कि आपका दोस्तों क्या आपका रेशियो होने वाला है, तो नंबर ऑफ फोर्सेज जो है आपका क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्स जो आपका होता है पी बाई ई आपका होता है, तो पी बाई एच सी लैमडा ऊपर चले जाएगा, तो आप एन देखें तो एन देखें तो इनवर्स तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमडा है, यानी कि एन वन बाई एन टू क्या होगा लैमडा वन बाई लैमडा टू, यानी कि 300/500 3/5, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आप एन इज इक्वल टू पी इक्वल टू एन ई होता है, तो ऐसे आपने दोनों में आपका पी इक्वल टू एन ई किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 500 आएगा,
जो भी है वो आपका आ जाएगा 300 500। तो एन वन बाई एन टू आपका लैमडा वन बाई लैमडा टू, तो यहाँ एन वन बाई एन टू आपका आ जाएगा 3/5। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो इसका दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज डेट ऑफ फोटोन, अब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 3/4 दी हुई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको बताने, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या रेशियो होने वाला है, तो ये आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विथ वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन आपका होता क्या है, एच म्यू नॉट आपका होता है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को दिया हुआ है, एच म्यू नॉट। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपका 6.63 इंटू 10^-34 ये आपका होता है एच, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है ये म्यू नॉट, तो यहाँ पर आपका 6.63, तो 6.63 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका म्यू नॉट क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10^-19 आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है अपॉन आपका क्या होगा, अपॉन आपका ये हो दोस्तों हो जाएगा 10^-34। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10^-19 + 34 यानी कि दोस्तों आपका ये 15, तो इसलिए आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे की जो 2024 के पीवाई क्वेश्चन है वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, केमिस्ट्री के भी आप देख सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा उन दो क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइए।